आप लोग जानते हो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। आज पूरा दो दिन से लगातार से बैंक के कर्मचारी हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कितनी निजीकरण के खिलाफ ये लोग बंद है। देखिए यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सभी बेरोजगारों को रोजगार दो, सभी बेरोजगारों को रोजगार दो। आज हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि पूरे भारत बंद है। मजदूर यूनियन के तरफ से आह्वान है, जिसमें देश के सारे बैंक, देश के सारे LIC, और आपको बंद का कारण होना पता होना चाहिए। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी की दर, इसी के लिए पूरे भारत बंद का आह्वान है। इसमें हम चाहेंगे वो CPM के अंचल मंत्री हैं निमेश बाबू, अपनी बातों को रखेंगे शॉर्ट टर्म में। साथी अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं इस बंद के कार्यक्रम में आए हुए तमाम क्रांतिकारी भाइयों एवं बहनों, साथियों, आज का बंद जो है वो पूरे हिंदुस्तान में है। जिस तरह से भारत सरकार जन विरोधी नीति को जनता पर थोपने का काम कर रही है, और जबरन जो है अपने देश से जो मजदूरों के अधिकार और कानून बना हुआ है उसको जो है से कम कर रही है, उसको समाप्त कर रही है, रोजगार को समाप्त कर रही है। साथियों, आज आप जानते होंगे किस कदर से जो सार्वजनिक संपत्ति है वो सार्वजनिक संपत्ति को औने पौने दाम में सरकार बेचने का काम कर रही है। और जहां तक जो सरकार चुनाव में वादा की थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हम प्रत्येक साल हम जो है से लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो नौकरी देने का काम नहीं कर रही है, बल्कि पद को समाप्त करके नौकरी को ही समाप्त कर रही है। जहां तक सफाई मजदूर का भी सफाई कर दिया, बैंक के अंदर जो कर्मचारी लोग काम करते थे अब बैंक को भी निजीकरण कर दिया, और उसमें तमाम कर्मचारी को छटनी कर रहे हैं। साथियों, इसके अलावे जो रसोईया हैं, जो और भी दूसरे जगह कार्य करते हैं, वो सभी को जो है वो या तो हटा दिया है या जो है उनको उनके ऊपर तलवार जो है से लटक रही है, किसी समय उनको हटाया जा रहा है। इसलिए साथियों, आज ये संघर्ष को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे की सारी समस्याएं गरीब और आम मजदूरों पर पड़ती है। जो आम मजदूर और गरीब के बच्चे हैं आज अच्छी शिक्षा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है पैसे नहीं हैं। आज उनके पास पैसे नहीं है जिसके चलते वो सही शिक्षा नहीं पा सकते हैं। और एक तरफ जो ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को शिक्षा नीति ऐसी मांगी शिक्षा नीति बनाई है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कॉलेज खोलने के लिए, संस्थान खोलने के लिए उसे जो है लाइसेंस दे दिया है, और तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी जो विद्यालय हैं उसमें जो सही ढंग से शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी, शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है, और उनको नियोजित शिक्षक को कम वेतन पर रखा जा रहा है, और तमाम जगह ठीक है प्रथा करके, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को जो है पूर्व की व्यवस्था को चरमरा दिया है। इसलिए साथियों, आज संघर्ष होने करने की ज़रूरत है। हम एकताबद्ध रूप से हम संघर्ष करके, और इस जो है सरकार की जन विरोधी नीति है उस जन विरोधी नीति पर हम जो है से कुठाराघात करेंगे, और एकमात्र यही रास्ता हम लोग का जन संघर्ष और जन विरोध का है। और यही इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपकी इन तमाम जो इस कार्यक्रम में आए हुए लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के चक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के चक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। अपनी मांगे कैसे लोगे, लड़के लेंगे, अपनी मांगे कैसे लोगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत बंद सफल हो, सफल हो, सफल हो। भारत बंद सफल हो, सफल हो, सफल हो। इनकलाब
जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे अपनी मांगे कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे अपनी मांगे साइको लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे जन भी और जन विरोधी कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जन विरोधी कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। मजदूर विरोधी कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। मजदूर विरोधी कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। अरे हमसे जो टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक हैं, एक है, एक है। आवाज तो हम एक हैं, एक है, एक है। जन विरोधी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। और जन विरोधी कर्मचारी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबको शिक्षा, सबको काम देना होगा, देना होगा, देना होगा। सबको शिक्षा, सबको काम देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। अब हम चाहेंगे प्रेमदा अपनी बातों को रखेंगे, आप लोगों से सभी लोगों से अपील करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ एक आदमी का नहीं है, आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। आज 110 रुपए पेट्रोल का दाम होता जा रहा है, आप लोग वैधानिक रूप से यदि विरोध नहीं कीजिएगा, हम अपने काम के लिए नहीं आए हैं, यह पूरे देश की लड़ाई है। यह मजदूर विरोधी कानून जो यह सरकार है, मजदूर विरोधी, रोजगार विरोधी, और ये सरकार किसान विरोधी है। इसके लिए आज आपको पूरे देश में बैंक आज बंद है। उन्होंने आपके मांगों का समर्थन किया है कि नहीं, हम दो दिन के लिए ये निजीकरण के खिलाफ में सारे बैंक है, LIC कर्मी है, सभी लोग बंद की का आह्वान किए हैं। आप लोगों से अपील रहेगा, ये बंद में समर्थन दीजिए। अब चाहेंगे प्रेमदा अपनी बातों को रखेंगे मात्र दो मिनट के लिए। साथी अध्यक्ष जी, आज ये बंद का जो आह्वान किया गया है, ये बंद हमारे मजदूरों के बने श्रम कानूनों को, 44 श्रम कानून जो मजदूर के हित का बना हुआ था, हम लोगों ने लड़के उसको हासिल किया था, वो सारे श्रम कानूनों को ये मोदी की सरकार 4 श्रम संहिता में समेटकर मजदूरों को जान मारने का काम कर रहा है। आज हम उसके विरोध में मजदूरों को जो चिकित्सा सहायता की राशि मिलती थी, उस चिकित्सा सहायता की राशि को बंद कर दिया गया है। आज उसके लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। हमारे जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, वो सारे प्रतिष्ठान को मोदी सरकार एक करके बेच रही है। रेलवे, बैंक, बीमा, हमारे जो भी सार्वजनिक उपक्रम थे, वो सारे उपक्रम को बारी बारी से कौड़ी के भाव ये अडानी अंबानी को दे रहा है। इससे हमारे तमाम तरह के मजदूरों को विभिन्न तरह की परेशानियों को झेलना होगा। हमारे कर्मचारियों को छटनी की जा रही है। काम करने का जो समय है, वो समय को बढ़ाया जा रहा है। जो हमारा 8 घंटा समय तय था, वो 8 घंटे को 12 घंटे कर रही है ये सरकार। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर उतरे हैं, और जब तक ये मांगे, जैसे हरियाणा के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों ने 1.5 वर्षों तक लड़ाई लड़के वो कानून को वापस कराया, ठीक उसी तरह ये मजदूर संगठन लड़के तमाम तरह की जो श्रम कानून को संशोधन का विधेयक जो लाया जा रहा है, उसको हम वापस करवाने का काम करेंगे। जब तक ये वापस नहीं होगा, हमारी ट्रेड यूनियन एकता, हमारी मजदूर एकता इस लड़ाई को जारी रखेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब